हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, जो भी आपके टाइम चल रहा हो। आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो इंटरेस्टिंग तब होगा अगर आपने ये वीडियो डिफरेंशिएशन का देख रखा होगा। इसीलिए डिफरेंशिएशन मैंने शुरुआत में पढ़ाया था क्योंकि उसका इस्तेमाल आज करने जा रहा हूं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। अगर तुम लोग ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो कर क्या रहे हो यार। यहां पे ये वीडियो है, इसका लिंक नीचे है, गूगल पे टाइप कर देना मोशन इन स्ट्रेट लाइन फिजिक्स वाला, तुमको एक ऑसम वीडियो मिल जाएगा जिसमें चैप्टर की स्टार्टिंग है। क्या कर रहे हो यार, उस वीडियो को देखो और इस वीडियो पे आओ। फिर यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज एक नया टॉपिक है जिसके लिए डिफरेंशिएशन आना बहुत बहुत जरूरी है। बेसिक भी आता होगा तो काम बन जाएगा। तो आओ देखो, बात करते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? जो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हो। जैसे मान लो मैं अपने घर से निकला स्कूल की तरफ और दौड़ा दौड़ा दौड़ा, देर हो रही थी, मैंने स्पीड बढ़ाई और देर हो रही थी और स्पीड बढ़ाई, मतलब रास्ते भर मेरी स्पीड चेंज होती रही, रास्ते भर मेरी स्पीड चेंज होती रही। किसी एक पर्टिकुलर समय पे जो मेरी स्पीड है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या स्पीड या वेलोसिटी जो कह लो, वेक्टर स्केलर का डिफरेंस है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। और पूरे रास्ते की मेरी जो एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी बन जाती है। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का सबसे पहला सिद्धांत, सबसे पहला प्रिंसिपल है कि टाइम शुड बी वेरी स्मॉल। बहुत छोटे टाइम की जब वेलोसिटी निकालोगे तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलोगे। जैसे मैं 10 सेकेंड दौड़ा तो मैं तीसरे सेकेंड के 3.555 सेकेंड में किस स्पीड पे दौड़ रहा था, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इतना छोटा टाइम, एक माइक्रो सेकंड बराबर टाइम, बहुत छोटा टाइम, उस टाइम पे मेरी स्पीड क्या थी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बार बार इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ वेलोसिटी में मैं टर्म में चेंज कर रहा हूं, आज डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज दोनों टर्म सेम ट्रीट करके काम चल जाएगा। पर हाँ, डिफरेंस तो है, ये बात तो हम एडमिट करते हैं क्योंकि हम फिजिक्स वाला है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यार वेलोसिटी का फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा। वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब बच्चों बहुत छोटे टाइम के लिए, तो बच्चों फिजिक्स में अगर बहुत छोटा टाइम हो, इतना छोटा टाइम हो कि ये टाइम करीब करीब जीरो के बराबर हो, ये टाइम इंटरवल करीब करीब जीरो के बराबर हो, ऐसे टाइम को फिजिक्स में हम डीटी लिखते हैं। तो यहां पे यार डीटी आ जाएगा नीचे, और यार इतने छोटे टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं डीएस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया डीएस बराबर डीटी, डीएस बराबर डीटी। अगर याद हो तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का टर्म है, dy बराबर dx, dy बराबर dx। अगर याद हो तो dy by dx क्या होता था, dy by dx स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, y वर्सेस x ग्राफ की जो स्लोप होती थी उसको dy by dx बोलते थे। यानी s वर्सेस t ग्राफ की, s वर्सेस t ग्राफ की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राफ जो होगी उसको हम बोलेंगे ds by dt, और वही बनेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात को डिटेल में समझने के लिए ग्राफ बना लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ठीक है। और अपन रैंडमली एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, अपन रैंडमली एक वैल्यू ले रहे हैं। यहां पे आप साइड में बस एक बात लिख के चलो, v इंस्टेंटेनियस is equals to ds by dt, और ds by dt अपने दिमाग में ये बात डाल लो, दिमाग में ये बात डाल लो, मेरे साथ रिपीट करो, ds by dt is slope of displacement time graph। बातों को रिपीट करोगे तभी याद रहेगी, जोश में रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो। तो यार मैंने बोला अगर मान लो s is equals to t square है, मान लो s is equals to t square, मान लिया, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रहा, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने आपसे कहा भाई साहब मुझे एक टेबल के द्वारा बताओ कि जब टाइम जीरो है तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, टाइम जीरो तो जीरो का स्क्वायर जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब टाइम वन है तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वन का स्क्वायर वन। जब टाइम टू है तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, टू का स्क्वायर फोर। जब टाइम थ्री है तब डिस्प्लेसमेंट थ्री का स्क्वायर नाइन। तो ये बन गया, और इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो टाइम को मैंने जीरो रखा, वन रखा रे, टू रखा रे, थ्री रखा रे, जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, वन पे डिस्प्लेसमेंट वन, टू पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई अचानक से फोर, और थ्री पे डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गई तो नाइन। अब इस ग्राफ को कनेक्ट करो तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, बहुत बढ़िया, यही ग्राफ बनना चाहिए था। बच्चों ध्यान से पहचान लो, ये ग्राफ होता है y is equals to x square का, देखो s is equals to t square, एकदम सेम रिलेशन आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब इस ग्राफ को देखो तो डिस्प्लेसमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे पहले सेकंड में देखो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ, पर दूसरे सेकंड में देखो डिस्प्लेसमेंट 3 हुआ, और तीसरे सेकंड में देखो डिस्प्लेसमेंट 5 हुआ। मतलब इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है। पहले सेकंड में ये कितना चला है 1, दूसरे सेकंड में ये चल गया 3, और तीसरे सेकंड में ये चल गया 5। मतलब ये वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी का केस है, और ऐसे केस में ना ये चीज बहुत काम आती है, डीएस बाई डीटी ऐसे केस में बहुत काम आती है। ठीक है, अच्छा मैं क्या बात कर रहा था, स्लोप वगैरह की। अच्छा बच्चों, इस ग्राफ की स्लोप क्या होती है, किसी भी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, आई होप आप ये पढ़ के आए हो क्लास 10th में। स्लोप होती है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है। अच्छा, यहां y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है तो डेल्टा s, x एक्सिस पे टाइम है तो डेल्टा t, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ओए होए, यही तो वेलोसिटी होता है भाई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो क्या होता है, वेलोसिटी। मतलब इस ग्राफ की स्लोप, स्लोप ऑफ, ये बात याद रखने वाली आज के लेक्चर की, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देती है हमको, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देती है, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देती है, वेलोसिटी। याद रखना है, याद रखना है। अच्छा, अब स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि आप इस जगह पे ग्राफ की स्लोप बताओ, तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पे एक टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट ऐसे टच करता हुआ, ये टेंजेंट जो एंगल बनाता है इसको स्लोप बोलते हैं। मतलब स्लोप क्या होता है, स्लोप इज टैन थीटा, टैन मतलब टेंजेंट, तो जिस जगह पे स्लोप चाहिए वहां पे आप टेंजेंट बनाओ, ये एंगल थीटा निकालो और लिख दो टैन थीटा विच इज इक्वल्स टू स्लोप। जैसे मैं कहूं यहां पे स्लोप निकालो, तो आप यहां पे टेंजेंट बनाओ और ये एंगल देख लो थीटा, इस थीटा का टैन थीटा होगा स्लोप, यहां पे बोलू तो आप यहां पे टेंजेंट बनाओ। अब आप ध्यान से देखो इस ग्राफ में एंगल चेंज हो रहा है कि सेम है, एंगल चेंज हो रहा है कि सेम है, यहां पे देखो एंगल ये बना थीटा और यहां पे देखो एंगल ये बना थीटा, मतलब एंगल बढ़ता जा रहा है। एंगल बढ़ेगा बच्चों तो टैन थीटा भी बढ़ेगा, क्योंकि टैन थीटा थीटा के साथ बढ़ता है, टैन थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगी, बिल्कुल सही, स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जरा ध्यान से देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां पहले सेकंड में 1 चला, दूसरे सेकंड में 3 और तीसरे सेकंड में 5 चला, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही, क्योंकि स्लोप बढ़ रही, क्योंकि टैन थीटा बढ़ रहा। तो आज ग्राफ भी समझेंगे, और ग्राफ को ऐसे समझना है, अगर आपको ऐसा ग्राफ मिलता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ऐसा मिलता है, इसका मतलब है एंगल बढ़ रहा, जिसका मतलब है स्लोप बढ़ रही, जिसका मतलब है टैन थीटा बढ़ रहा, जिसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही। तो यार अभी तो शॉर्ट में सिर्फ इतना ही बताया ना मैंने तुमको, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, अब तो क्लियर हो गई होगी बात। व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज टैन थीटा, व्हाट इज टैन थीटा, जहां पे स्लोप निकाल ली वहां पे टेंजेंट बना के एंगल ले लो, क्लियर है बात, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये तो मैंने आपको ग्राफिकली बात समझाई, ठीक है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, ऐसा कुछ आइडिया आया आपको, और जहां पे वेलोसिटी चाहिए वहां पे ग्राफ में टेंजेंट बनाओ, थीटा निकालो। तो यार इतना समय है क्या एग्जाम में, बताओ, अब मेरा अहम सवाल, क्या इतना समय है कि एग्जाम में तुम ग्राफ बनाओ, फिर टेंजेंट बनाओ, फिर एंगल मेजर करो, फिर लिखो टैन थीटा और फिर आंसर निकालो, ना रे ना, इतना समय नहीं है अपने पास। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। मेरे से बोला वेलोसिटी फाइंड करो, मेरे से कहा वेलोसिटी फाइंड करो, फाइंड वेलोसिटी एट t is equals to 1 second and t is equals to 2 second. पहले सेकंड और दूसरे सेकंड और तीसरे पे भी ले लो 3 सेकंड, पहले दूसरे और तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। तो मैंने कहा यार वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इसकी स्लोप, मतलब ds by dt, v is equals to ds by dt, आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक ये बात और एक ये बात याद रहनी चाहिए, v is equals to ds by dt, इसको डिफरेंशिएट करना आता है तुम्हें, आता है, 2 बाहर आ जाएगा और t की पावर 1 कम आ जाएगी, यानी v instantaneous is equals to 2t आ गया मेरे पास, बहुत बढ़िया। अब आपसे कहा find velocity at 1 second, तो t की वैल्यू 1 रख दो, तो v कितना आ जाएगा, 2 1 2, फिर t की वैल्यू 2 रख दो इसी में, तो v कितना आ जाएगा, 2 2 4, फिर t की वैल्यू 3 रख दो, तो v कितना आ जाएगा, 2 3 6। भाई साहब आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, 2 थी 4 थी फिर 6 हुई, 2 थी 4 थी फिर 6 हुई, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले सेकंड में वेलोसिटी थी हमारी 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, और तीसरे में थी 6 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी लगातार 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 बढ़ रही है, क्लियर है बात, इसलिए ग्राफ में भी बढ़ती हुई स्लोप दिखाई पड़ी। ठीक है, अच्छा अब इसी सवाल में आपसे, सवाल में अगर आपसे पूछ ले कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1
एंड 3 seconds. मान लो आपसे यह पूछ लिया एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 3 सेकेंड. अब क्या करना है, अब फॉर्मूला लगाना है एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. हमने पढ़ रखा है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. कहां से कहां डिस्प्लेसमेंट, 1 से 3, तो आप डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, और नीचे टाइम कितना हुआ 1 से 3, 2 सेकेंड का. तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड कितना है, 9, माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड कितना है, 1 डिवाइड बाई 2, 9 माइनस 1 8, 8 बाई 2 कितना आया, 4 meter per second, and this is the average velocity. तो इस तरह से average, इस तरह से instantaneous. Instantaneous निकालने के लिए क्या formula लगाओगे, क्या formula लगाओगे, ds/dt. और average velocity निकालने के लिए form लगाओगे total displacement, मतलब s2 minus s1 upon t2 minus t1. तो ये difference है, ठीक है ना. अब जैसे exam में सवाल आता है कि कहाँ पे average velocity और instantaneous velocity same है, क्या ऐसा कोई इंस्टेंट है जहां पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है. बिल्कुल भाई साहब, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड में, उस टाइम इसकी वेलोसिटी 4 है और एवरेज वेलोसिटी भी कितनी है, 4 है. तो बच्चों अभी तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया मैंने इस टॉपिक का, डिफरेंशिएशन आपको जरूर से आना चाहिए वरना ये टॉपिक ऊपर से जा रहा होगा. चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं. अगला क्वेश्चन अपने पास है एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर. हमसे पूछा फाइंड वेलोसिटी at t is equals to 1 second and t is equals to 3 seconds. अब एक बात बताओ, ये average velocity है कि instantaneous? At t is equals to 1, एक particular time पे पूछी है, मतलब instantaneous, तो v instantaneous के लिए ds by dt करेंगे, 3 इधर आएगा, t की power 1 कम हो जाएगी, square, 6, 2 बाहर आएगा, t की power 1 कम हो जाएगी, 1, 3t square minus 12t. ये हो गई v instantaneous की हमारी formula बन गया. अब t को 1 बोला है तो इसमें t की value 1 put कर दो, v is equals to 3 into 1 का square minus 12 into 1, so this will be 3 minus 12 which is equals to minus 9. तो v कितना आ गया, minus 9 meter per second, कब, t is equals to 1 पे. मेरे से बोला t is equals to 3 पे निकालो, क्या दिक्कत है, v is equals to 3, t की जगह 3, 3 का square minus 12 into 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, माइनस 12 3 36, कितना आ रहा है, 27 माइनस 36, ओए होए ये तो सेम आ गया, माइनस 9 मीटर पर सेकंड सेम आ रहा. अच्छा कहीं और पे दिख लेते हैं, चलो t इज इक्वल टू 2 सेकंड से भी चेक कर लेते हैं. तो अपने रखा t की वैल्यू रखी 2, t की वैल्यू 2 रखो, बोलो आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, माइनस 12 2 जा 24, माइनस 12 मीटर पर सेकंड. तो चलो तुमको ये एक वहम नहीं होगा कि हमेशा माइनस 9 ही आंसर आएगा, मैंने कहीं गलती तो नहीं की. चेक करते हैं, 1 रखते हैं, 3 माइनस 12 माइनस 9 सही है, और 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, माइनस 12 3 जा 36, 9 एकदम सही है, सही है सही है सही है सही है सही है. और t की वैल्यू 2 रखी, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, माइनस 12 2 जा 24, माइनस 12, ठीक है. तो हमारी v अलग अलग आ रही है, कभी माइनस 9 कभी माइनस 9 कभी माइनस 12, हमेशा माइनस आएगी, पता नहीं यार, हो सकता है. समझ में आया, ds by dt करके डिफरेंशिएट कर दिया, जहां पे वेलोसिटी कुछ निकाल लिया, बड़े हलवा सवाल थे. अब मैं सवाल लेता हूं एक नया, इसको यहां पे लिखे रहने दो, कितना है 3t square minus 12t. अब मैं पूछता हूं फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज डूइंग विश्राम, विश्राम बोले तो रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पर है वो समय बताइए. तो बच्चों जब बॉडी रेस्ट पर होती है तो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी जीरो होती है, तो v की वैल्यू को जीरो रख दो, 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल्स टू 0, यहां से 3t कॉमन, t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो या तो 3t जीरो होगा या तो t माइनस 4 जीरो होगा, तो या तो t की वैल्यू 0 होगी या तो t की वैल्यू 4 होगी. तो जब समय 0 सेकंड है तब बॉडी रेस्ट पर है, बट मतलब बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है, शुरुआत में बॉडी रेस्ट पर है, और जब समय 4 सेकंड होगा तब बॉडी रेस्ट पर है, यानी जब 4 सेकंड बीत जाएंगे तब बॉडी फिर से किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी. शुरू पे भी रेस्ट पे थी और 4 सेकंड बाद फिर से रेस्ट पे. चलिए अगला सवाल लेते हैं. चलिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट सवाल है s इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9. हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी
बिटवीन 1 to 4 seconds. दो सवाल है, तो v इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए v इंस्टा इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2 इधर आ जाएगा 60 प्लस 40 का डिफ्रेंशिएशन 4, 9 का डिफ्रेंशिएशन 0, 40 का कितना होगा 4, 3t स्क्वायर का 2 इधर आया 60, बहुत बढ़िया. तो v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू हो गई 60 प्लस 4. अब बोला है t इज इक्वल टू 2 पे निकालो, तो इसमें 2 वैल्यू रख देंगे t की, 6 2 12 प्लस 4 कितना आया 16 मीटर पर सेकंड, आंसर खत्म. फिर तुमसे क्या पूछ रहा है, फिर कह रहा है एवरेज वेलोसिटी निकालिए बिटवीन 1 to 4 सेकंड. तो v एवरेज के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, और 1 से 4 का टाइम हुआ 3. डिस्प्लेसमेंट इन 4 निकालने के लिए इसमें 4 रख दो, तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 t की वैल्यू 4 रख दो, 4 का स्क्वायर 16, 3 जा 48 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 9, तो ये हमारा कितना हो गया 48 और 16 हमारा हो गया 64 और 9, 64 और 9 73, माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड निकालना है, t की वैल्यू 1 रख दो, 3 प्लस 4 प्लस 9, 9 3 12 4 16 डिवाइड बाई 3, अब जो भी आंसर आएगा दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी. तो ये था एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका. चलिए अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल करने से पहले समझते हैं अगला टर्म जो कि है बड़ा इंपॉर्टेंट एंड विच इज एक्सेलरेशन. चलिए तो एक्सेलरेशन लेकर आया, एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सेलरेशन जो डिफाइंड है फिजिक्स में वो तो डिफाइंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. आप में से हर कोई एक्सेलरेशन जानता होगा, और मैं ये भी दावा करता हूँ नहीं जानता होगा. आज मैं आपको रियली सिखाता हूँ कि एक्सेलरेशन चीज होती क्या है, उसकी यूनिट भी अजीब लगती है देखने में, होती क्या है. पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेक्टर वी टू माइनस वेक्टर वी वन अपॉन चेंज इन टाइम, को मैं डेल्टा टी लिख रहा हूँ, मतलब शॉर्ट में अपन डेल्टा वी बराबर डेल्टा टी बोल सकते हैं, इस पे वेक्टर लगा लेते हैं. चलो, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को एक्सेलरेशन बोलते थे हम, बहुत बढ़िया. अब मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखा होता है एक्सेलरेशन किताबों में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मुझे ये समझाओ ये सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा है. तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है, ऊपर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड रही होगी, नीचे टाइम सेकंड रहा होगा, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया होगा सर. बहुत सिंपल है, बिल्कुल सही. पर इस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर एक फील छुपा हुआ है, एक फील है इसके अंदर, फीलिंग जो तुम्हारे अंदर 11th में डेवलप होनी स्टार्ट हुई है, फील है इसके अंदर. क्या फील है? इसका मतलब है कि जो चेंज इन वेलोसिटी का रेट है वो 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड है. मतलब मान लो वेलोसिटी शुरू में 0 है, जब टाइम 0 है तब मान लो वेलोसिटी 0 है, ठीक है. मान लो जब टाइम 1 हुआ, जब टाइम 1 हुआ तो 1 सेकंड बढ़ने पे वेलोसिटी बढ़ेगी 2 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बढ़ा टाइम तो वेलोसिटी फिर बढ़ेगी 2 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बढ़ा टाइम वेलोसिटी फिर बढ़ेगी 2 मीटर पर सेकंड. एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में स्पीड कितना, वेलोसिटी कितना बढ़ रही, 2 मीटर पर सेकंड. पहले सेकंड में कितना बढ़ी, 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे में 2, तीसरे में 2 मीटर पर सेकंड. दिस इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी हर सेकंड में वेलोसिटी कितना बढ़ रही है या कितना घट रही है. बहुत बढ़िया, तो आपको थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ गई एक्सेलरेशन की, कि हर सेकंड में स्पीड कितना बढ़ रही है कितना घट रही है, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. अब बच्चों एक्सेलरेशन भी दो प्रकार के होते हैं. पहला एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन. तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, यही भाई v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, बहुत बढ़िया. और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. अब आप समझ ही गए होंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. अगर बहुत छोटे टाइम में कोई चेंज हो, इंस्टेंटेनियस मतलब जब डेल्टा टी की वैल्यू कैसी हो, वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटी, मतलब करीब करीब जीरो के बराबर, पर जीरो नहीं है, तब डेल्टा टी की जगह कौन सा टर्म आ जाएगा, डी टी, और डेल्टा वी की जगह कौन सा टर्म आ जाएगा, डी वी. चेंज इन वेलोसिटी, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन छोटा सा चेंज इन टाइम. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आज से जिंदगी में बनेगा डी वी बाई डी टी, और एवरेज एक्सेलरेशन बनेगा जो पुराना फॉर्मूला था वही याद रखो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. तो बच्चों ये आपने कुछ नई चीज़ पढ़ी है आज 11th में, कि एक्सेलरेशन का एक नया फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, और वो है डी वी बराबर डी टी, डी वी बराबर डी टी. तो ऐसी सिमिलर चीज़ आपने वेलोसिटी में पढ़ी थी, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ.
आपने वेलोसिटी में क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होती है, ds बराबर dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और आपने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो स्लोप बनती है वेलोसिटी। ठीक उसी प्रकार से बच्चों एक्सेलरेशन आप जानते हो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ऊपर चेंज इन वेलोसिटी, नीचे चेंज इन टाइम dv बाई dt। अब जैसे यहां पे देखा वैसे यहां पे बताओ कि vt ग्राफ की स्लोप क्या होगी। डेफिनेटली आप सही बोल रहे हो, vt ग्राफ की स्लोप हो जाएगी एक्सेलरेशन। तो दो बातें आज आपको याद रखने वाली मिली है, एक पहली v इज इक्वल्स टू ds बाई dt और दूसरी a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से मिलती है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से मिलती है एक्सेलरेशन। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। मैं ग्राफ बना रहा हूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और एक और ग्राफ बनाता हूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। ठीक है ठीक है ठीक है, आप बताओ इन दोनों में से किसमें एक्सेलरेशन बढ़ रही है और किसमें कॉन्स्टेंट है। भाई साहब एक्सेलरेशन क्या है, वीटी ग्राफ की स्लोप है। यहाँ पे देखो स्लोप बढ़ती जा रही है, एंगल बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे स्लोप सेम है यार, यहाँ जहाँ भी टेंजेंट बनाओगे स्लोप चेंज नहीं हो रही, स्लोप चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। और यहाँ पे स्लोप लगातार बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। तो ये सब फील थोड़ा आना चाहिए, ग्राफ को लेके एक अलग वीडियो पूरा आएगा, फील आएगा, पर अभी थोड़ा बहुत तो फीलिंग होनी चाहिए, थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अब डिफरेंशियल फॉर्म के, और ढेर सारे जैसे हमको दे रखा है v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t, हमसे कहा फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो यार एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो dv बाई dt, अब डिफरेंशिएट करोगे 2 इधर आएगा तो 4t माइनस 40 का डिफरेंशन होगा 4, t इज इक्वल टू 3 बोला है तो इसमें t की वैल्यू 3 रख दो, तो a इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 माइनस 4 कितना आया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी में आपसे पूछ लेता फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 टू 3 सेकंड्स, अब क्या करते एवरेज एक्सेलरेशन बोला है तो क्या लगोगे v इन 3 सेकंड्स माइनस v इन 0 सेकंड अपॉन 0 से 3 का टाइम 3, v इन 3 सेकंड्स यहां 3 रख दो, v इन 3 सेकंड्स यहां 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 = 18, 18 माइनस 4 3 = 12 मतलब 6, फिर से चेक कर लो 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18 माइनस 4 3 जा 12, 18 माइनस 12 6, v इन 0 सेकंड यहां 0 रखो 0 0 0 डिवाइड बाय 3 कितने आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो इंस्टेंटेनियस t इज इक्वल टू 3 पर है वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा और ये एवरेज आंसर। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, चलिए अपन नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है बच्चों मेरे पास वो है s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर, फाइंड, ध्यान सुनना, फाइंड फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। चलिए सभी लोग अपने आप करेंगे अब इसको, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, सब लोग करेंगे। तो यार पहले बॉडी इज एट रेस्ट का मतलब सबको पता है कि वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी के लिए लिखेंगे ds बराबर dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 इधर आएगा t की पावर 1 कम 3t स्क्वायर माइनस 2 इधर आएगा 12t। ठीक है पूछा क्या है फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पहले v लिख लो, v कितना है 3t स्क्वायर माइनस 12t। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा dv बराबर dt, अभी पढ़ा ना आपने dv बराबर dt मतलब इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 इधर आएगा 2 3 = 60, 20 का डिफरेंशिएशन 12। पूछा है एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए जब बॉडी रेस्ट पर है, तो बॉडी रेस्ट पर कब है, इस एक्सप्रेशन को उठाओ बोलो वेलोसिटी जीरो कब है, देखते हैं आइए 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू 0 कब है, तो 3t कॉमन हुआ t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 होगा या तो t इज इक्वल टू 4 होगा, या तो अभी रेस्ट पर है या तो अभी रेस्ट पर है। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, तो बॉडी दो बार रेस्ट पे है, t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 4, तो दो आंसर आपके आएंगे, एक t इज इक्वल टू 0 रख दो, 0 रखोगे 0 कितना माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और एक टी इज इक्वल्स टू 4 रख दो, तो 6 फोर जार 24 माइनस 12 कितना आया, प्लस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऑप्शन होगा एक माइनस 12 होगा, एक प्लस 12 होगा, एक में दोनों लिखा होगा, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो वही सही होगा, माइनस 12 भी और प्लस 12 भी। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हो सकता हो एक ही आंसर आए। कंसेप्ट समझना था कि फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी को जीरो रखा, उससे टाइम मिला और उस टाइम पर जाके एक्सेलरेशन निकाला। जैसे इसी सवाल में आपसे पूछ सकता था फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, तो t इज इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, 0 रख दो, डिस्प्लेसमेंट 0, या t इज इक्वल्स टू 4 पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, 4 का क्यूब 64 माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 66 जा 96 माइनस 64 तो कितना हो गया हमारा, 96 है, 66 गया हमारा, कितना हो गया 30 और 2 32 32। तो इस तरह का आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है, कंसेप्ट इसमें यह था बीच का। चलिए बच्चों, आपको बेसिक चीजें अब समझ में आ चुकी है, मैं भी ये बात समझ गया हूं, तो अब समय आ गया कि हम कुछ कंसेप्चुअल सवाल करना इसके स्टार्ट कर दें। चलिए जैसे मेरे को अब ये दे दिया, अब थोड़ा सा अपन 2D भी खेल लेते हैं। जैसे s इज इक्वल टू दे दिया 3t i कैप प्लस 4t j कैप, तो सबने थोड़ा बहुत वेक्टर इसीलिए पहले पढ़ रखा है क्योंकि अब हम लोग थोड़ा थोड़ा 2D खेलेंगे। अब हमसे वो पूछ रहे हैं कि आप हमको बताइए वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फिर हमसे कह रहे हैं स्पीड बताइए एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और फिर हमसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन भी बताइए भैया, कब बताइए एक्सेलरेशन, चलिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड चेंज कर देते हैं, आइए निकालें। अब बच्चों इसको देख के डरना नहीं है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट दो डायरेक्शन में हो रही है, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, तो दो तरह की डिस्प्लेसमेंट है। तो यार 2D के मोशन को जब भी खेलना हो ना, वैसे मोशन है स्ट्रेट लाइन चल रहा है पर बीच में थोड़े बहुत सवाल आएंगे उसको देखना पड़ेगा, तो अपन बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 3t और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 4t, दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा। अब आप निकाल लो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो हो जाएगा ds/dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 3t का डिफरेंशिएशन 3 आएगा। आप निकाल लो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इसको डिफरेंशिएट कर लो ds/dt, 4t का डिफरेंशिएशन 4 आया। यानी वेलोसिटी एक्स में 3 है वाई में 4 है, यार तो वेलोसिटी का वेक्टर नहीं बना सकते, एक्स में है 3 i कैप, वाई में है 4 j कैप, कब पूछिए वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, तो यार ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इसमें टी का टर्म ही नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे 0 सेकेंड हो, चाहे 1 सेकेंड हो, चाहे 2 सेकेंड हो, चाहे 3 सेकेंड हो, वेलोसिटी तो यही आएगी, यहाँ कहीं टाइम का टर्म है ही नहीं। मैंने किया क्या, मैंने कहा एक्स की डिस्प्लेसमेंट को अलग कर लो, वाई की डिस्प्लेसमेंट को अलग कर लो, एक्स की वेलोसिटी अलग निकालो, वाई की अलग, ऑल्दो मैं एक में निकाल सकता था पर कंसेप्ट ऐसा ही बनेगा, बहुत बढ़िया। फिर पूछा स्पीड एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, बच्चों स्पीड क्या होता है, यहाँ पे आपको फील होना चाहिए, स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड के साथ डायरेक्शन, यानी स्पीड क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। बच्चों इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना याद है, मॉड बी क्या करते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3² + 4² जिन्होंने वेक्टर नहीं देखा है वेक्टर को देखें, वेक्टर फिजिक्स वाला, तो आंसर आ गया 5। तो द स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड और वो भी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही। अगला पॉइंट है एक्सेलरेशन, अब भैया एक्सेलरेशन भी दो डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो dv/dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इसको डिफरेंशिएट कर दो dv/dt, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, 4 का डिफरेंशिएशन 0, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है चाहे एक्स में हो चाहे वाई पे, तो टाइम 2 हो 1 हो 3 हो एक्सेलरेशन हमेशा कितना रहेगा 0। ठीक है। चलिए एक सवाल मैं आपको देता हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे, एक मैंने आपको कराया, अगर हमसे दे दिया सवाल इन्होंने इसी तरह का, s इज इक्वल्स टू t² i कैप प्लस 3t - 1 j कैप, फाइंड वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो इसको पॉज करके आप ट्राई करें कर लिया। चलिए तो मैंने बोला ये डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन की, ये डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन की, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन को मैंने बोल दिया t², डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन को मैंने बोल दिया 3t - 1। अब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया ds/dt, ये आ जाएगा 2t। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन निकालना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो ds/dt, 3t का डिफरेंशिएशन 3, 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो हम वेलोसिटी का वेक्टर बना सकते हैं, वेलोसिटी का वेक्टर बना सकते हैं, x में है 2t तो 2t i कैप और y में है 3 तो 3 j कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही, जो i वाला होता है वो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, जो j वाला होता है वो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, दोनों में अलग अलग वेलोसिटी, और x में वेलोसिटी 2 है 2t है तो 2t i कैप, y में 3 है तो 3 j कैप,
मिल गई। अब वेलोसिटी कब पूछी है, टी इज इक्वल्स टू वन, अब देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें टी की वैल्यू वन पुट कर दो, तो वी इज इक्वल्स टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप। फिर क्या पूछ रहा है, स्पीड कब, टी इज इक्वल्स टू वन पे, तो मैंने बोल रखा है आपको भाई साहब स्पीड क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर जो भी आंसर है। फिर पूछा एक्सेलरेशन, तो इनको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, तो ये तो निकल रहा है एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, इसको डिफरेंशिएट करोगे टू आएगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन डी वी बाई डी टी और थ्री कॉन्स्टेंट उसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो एक्सेलरेशन हमारा एक्स में कितना टू आई कैप और वाई में कितना जीरो जे कैप, सो द एक्सेलरेशन इज टू आई कैप। t is equals to 1 सेकेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, अगर टाइम पे डिपेंड करता तो वैल्यू रख के हम आंसर निकालते और मजे करते, जिंदगी जीते, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपको अगला जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंड विच इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप सोच रहे हो ये सब किताब में दिया कहाँ है, तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप अच्छी पढ़ाई करोगे, मैंने भी आपसे वादा किया था कि आपको बेस्ट कंटेंट जितना कोटा में पढ़ाया जा रहा है सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री रख दूंगा। ये जो इन्होंने फीस रख रखी है ना, 1.5 लाख 3 लाख 2 लाख, इन सबको जीरो कर देंगे अपन, पूरा कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे डालेंगे, पूरा कंटेंट, जब तक यूट्यूब मेरा चैनल बंद नहीं करता। हाँ देखो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों, इसका सलूशन निकालने के लिए अब मैं लोगों से मीट करना स्टार्ट कर दिया हूँ, जिस वजह से अगले 3 दिन वीडियोस कम आएंगे। मैं एक सलूशन निकालने जा रहा हूँ इस प्रॉब्लम का कि सडनली इफ़ यूट्यूब सस्पेंड माई अकाउंट, जो कि हो रहा है इस टाइम, बहुत से लोगों का अकाउंट अचानक से बंद हो जा रहा है, इफ सडनली यूट्यूब सस्पेंड माई अकाउंट तब मैं क्या करूँगा। तो आप लोग डर रहे हो कि सर अब पैसा ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं इसका सलूशन निकालूंगा, 3-4 अपने टेक्निकल जो दोस्त हैं उनसे मिलूंगा, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किए थे, मेरे जूनियर हैं सीनियर हैं या साथ के हैं, तो उनसे मिलूंगा और सोल्यूशन पूछूंगा कि हम लोग क्या एक बैकअप ऑप्शन ले सकते हैं कि अपन बीच में अचानक से ठप ना हो जाए, वरना यार बहुत बुरा लगेगा। मैं तो चाहता हूं कि पूरा मटेरियल फ्री में दे दूं, और ऐसा करने में बहुत से लोगों से हमारी दुश्मनी होने वाली है, अब बहुत से लोग चाहेंगे कि पूरा कंटेंट, यार ये तो पूरा कंटेंट फ्री में डाल रहा है तो लोग कोचिंग क्यों आएंगे, लोग इतनी फीस क्यों देंगे। मैं पूरे पूरे कोटा में जितना पढ़ा रहा, मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ डिटेल, अंदर 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 की प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको सब बता रहा हूँ। हाँ कई बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर हार्ड क्वेश्चन नहीं आए, देखो बच्चों कई बच्चों ने कहा वेक्टर के हार्ड क्वेश्चन नहीं आए, मैं आपको बताता हूँ बात क्या है कि जेई में जो सवाल आएगा वो 3-4 चैप्टर मिला के आएगा, थोड़ा मुझे पढ़ा लेने दो, मैं 3 घंटे का वीडियो डालूंगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, उसको देखना तुम, उसके एक एक सवाल तुम देखना, तुम हिल जाओगे, वो एक वीडियो आएगा 3 घंटे का वीडियो डालूंगा, 3 घंटे का, भले ही बनाने में कितना समय लगे, 3 घंटे का वीडियो डालूंगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, उसमें सबसे बढ़िया सवाल डाल दूंगा। अभी तुम्हारी बेसिक बनानी है, तुम जाओ कोटा के नोट्स उठा लो, जाओ उठा लो, इससे ज़्यादा मिल जाए तो बताओ, क्लास इलेवंथ में जितना हम बता रहे हैं इससे ज़्यादा अभी कोटा के नोट्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मिल जाए तो आके मुझको बताना, मैं अभी तो सब करा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो टारगेट का भी अभी तुमको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, पर अपन सिलेबस पे भी ध्यान देंगे, इसीलिए अपन वीडियोस छोटे रखते हैं, कंसेप्ट सारे रखते हैं, जितने लोगों को तैयारी करनी है वो 3 घंटे वाले वीडियो पे आना, तो उस पर तो यार जान लगाएंगे अपन, ठीक है, तो उसका सलूशन कुछ दिन बाद मैं बताऊंगा आपको क्या है, ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं एक साथ में बैकअप भी ऑप्शन रखेंगे। चलिए वापस आते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे बच्चों मैं तुमसे बोलूं किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है +10 मीटर और किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है -10 मीटर और किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है 0, या सेम बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट कभी 10 है कभी -10 कभी 0, मुझे ये बताओ वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कब चल रही या पॉजिटिव डायरेक्शन में कब चल रही, अभी अभी या अभी, सभी लोग अभी अभी या अभी, तो इस टाइम चल रही पॉजिटिव डायरेक्शन में, नहीं ऐसे डिसीजन नहीं लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही ना। जैसे मान लो बच्चों ये एक रेफरेंस पॉइंट है 0 वाला, अगर कोई बंदा इससे 10 मीटर पीछे है, ये खड़ा है बंदा, ठीक है, और ये बंदे का फेस, ठीक है, अगर ये बंदा इससे 10 मीटर पीछे है, पीछे की तरफ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा -10 मीटर। मान लो ये बंदा इधर चल रहा हो तो इस तरफ चल रहा हो तो मैंने मान लिया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, चलो उल्टा कर लो, चलो अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव है ये डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है, अब मान लो बंदा इससे 10 मीटर पीछे है, यहां पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है -10 मीटर, 10 मीटर पीछे है।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पीछे ही जा रहा है, इसका मतलब यह है कि 10 मीटर पीछे ये खड़ा है। हो सकता हो यहां से ये आगे की तरफ आ रहा हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, हो सकता हो वहीं रुका हो सकता हो पीछे जा रहा हो, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं पता चल सकता। मैं बोलूं मेरा डिस्प्लेसमेंट -10 है, मतलब मैं पीछे की तरफ -10 पे खड़ा हूं। अब मैं वहां से आगे भी आ सकता हूं और वहां से पीछे भी जा सकता हूं, मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन ऑफ मोशन, बोलो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं निकालते। डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमें ऊपर वाले ने जो चीज दी है वो है वेलोसिटी। मैं बोलूं किसी बॉडी की वेलोसिटी है +5 meter per second और किसी बॉडी की वेलोसिटी है -5 meter per second, अब तो क्लियर हो रहा कौन पॉजिटिव में चल रहा। +5 का मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 की स्पीड से चल रहा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में 5 की स्पीड से। डिस्प्लेसमेंट कभी डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बता सकता, ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट कभी डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बता सकता। तो इसी कंसेप्ट पे हमको अब अगला सवाल करना है। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, इफ s इज इक्वल्स टू t³ - 60² + 90। ठीक है, तो बढ़िया सवाल लिया मैंने फिर से। ठीक है, चलो इसमें पहले बेसिक चीजें करते हैं। अभी आप ये समझ गए डायरेक्शन ऑफ मोशन किससे पता चलता है, वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब वेलोसिटी जब ग्रेटर देन जीरो है तो हम पॉजिटिव में चलेंगे, जब लेस देन जीरो है तो नेगेटिव में, और जब जीरो है तो रुके हुए। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए यूज करेंगे वेलोसिटी को। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए यूज करेंगे वेलोसिटी को। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए यूज करेंगे वेलोसिटी को। चलो भाई, अब हमसे एक सवाल ये दिया, आइए इसके अंदर हम थोड़ी बहुत इसके तिकड़ीबाजी करते हैं, अंदर कचक 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 क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन है, फाइंड चलो पहले ऐसे ही वेलोसिटी एट t = 2 seconds, ठीक है बस हो गया। फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 seconds, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 3 seconds। चलो पहले ये सवाल करते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए बच्चे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ds = dt करेंगे, t³ का डिफरेंशिएशन 3t², 60² का 2 इधर जाएगा 12t, 90 का डिफरेंशिएशन +9, 3t² - 12t + 9। वेलोसिटी एट t = 2 seconds, इसमें 2 रख देंगे, t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, t की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12 - 2 = 24 + 9। ओके, 12 और 9 मिलके बनेंगे 21 - 24, सो स्पीड आएगी या वेलोसिटी आएगी 12 और 9 = 21 - 24 - 3 meter per second। इसका मतलब है बॉडी पीछे जा रही। अगर पूछता है t = 2 पे बॉडी किधर जा रही, आगे या पीछे, तो आप बोलोगे डेफिनेटली पीछे, क्योंकि वेलोसिटी में नेगेटिव आया है। खैर अब ये सवाल नहीं था। फिर पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 3 seconds, तो एक्सेलरेशन के लिए अपन क्या करेंगे, dv = dt, ये रहा v, इसको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम से, तो 3t² का डिफ्रेंशिएशन 60 ये बाहर आएगा, -12t का 12, t = 3 रखा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 6 3 = 18 - 12 + 6 meter per second square, और ये कुछ नहीं बता रहा आगे जा रही है या पीछे जा रही है, एक्सेलरेशन से नहीं वेलोसिटी से पता चलता है। ठीक है, तो ये हलवा हलवा बातें मैंने इसमें की। अब इसमें जो असली सवाल है वो ये है, चलो पहले एक चीज़ और ले लेता हूँ, फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। चलो ये भी आसान सवाल हो गया, जब बॉडी रेस्ट पर है, सबको पता है रेस्ट का मतलब क्या होगा, रेस्ट का मतलब सबको पता है कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रख दें, 0, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू रख दी मैंने 0, 3t² - 12t + 9 = 0। हाथ पैर तो नहीं कांप रहे किसी के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ से 3 कॉमन लो, तो t² - 4t + 3 = 0 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 कॉमन लिया, इधर 0 से डिवाइड हो गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, t² - 3t - t + 3 = 0 लिख सकते हैं, -3t - t, सही है, -4t आ रहा, मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा, ठीक है ना, अरे ठीक है नहीं, -4t को -3t - t, ठीक है, यहाँ से t कॉमन लिया t - 3, यहाँ से -1 कॉमन लिया t - 3, यहाँ से t कॉमन लिया
टी माइनस थ्री, यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया, टी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. तो टी माइनस वन, टी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. तो या तो टी की वैल्यू वन होगी या तो टी की वैल्यू थ्री होगी, सबको समझ में आ रहा होगा. इसको जीरो से इक्वेट किया, इसको जीरो से. तो या तो टी वन है तब बॉडी रेस्ट पर है, या तो टी थ्री है तब बॉडी रेस्ट पर है, यानी बॉडी दो बार रेस्ट पर आई. ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी सिंपल, बहुत मजा आया यार. अच्छा अच्छा, अब तुमसे पूछा फाइंड द टाइम टाटा टाटा व्हेन बॉडी टाटा इज मूविंग. देखो बहुत रात हो गई है, थोड़ा सा पागलपन रात में सबके ऊपर आता है. इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, जब बॉडी पीछे जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है. तो बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन जीरो होगा. ये रहा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये यानी ये जो वैल्यू है 3t² - 12t + 9 ये लेस देन जीरो होगी. अभी हमने इसको पूरा सॉल्व किया था, क्या आया था टी माइनस वन और क्या आया था टी माइनस थ्री इज लेस देन जीरो, यही आया था. इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, ये बनेगा. उधर जीरो लिखा था, इस बार जीरो नहीं लिखा है हमने इसको, ठीक है, फैक्टराइज किया. टी माइनस वन, टी माइनस थ्री इज लेस देन जीरो. अब आपको वो टाइम निकालना है जब बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही हो. चलो तो यार मेरे पास यहाँ पे दो टाइम इंपॉर्टेंट है, एक वन और एक थ्री. तो वन और थ्री के अराउंड ही कहानी करनी होगी. चलो अगर टाइम को मैं वन से छोटा रखूं, ट्राई करो, यहाँ वन से छोटा कोई टाइम ट्राई करो, जैसे एग्जाम्पल के लिए जीरो ट्राई कर लो. तो जीरो माइनस वन कैसा हुआ, नेगेटिव. जीरो माइनस थ्री कैसा हुआ, नेगेटिव. नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, मतलब ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, लेस देन जीरो नहीं होगी. फिर से मैं बोल रहा हूँ, टाइम को लेस देन वन, जीरो रख के देखो, यहाँ पे सीधा रख लो, जीरो माइनस ट्वेल्व जीरो, ये तो जीरो जीरो प्लस नाइन, यानी वेलोसिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव. यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, जीरो रख के देखो, नेगेटिव 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 इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी लेस देन जीरो नहीं है. तो टी इज लेस देन वन में तो काम नहीं बन रहा है ना. देखो अपने पास दो ही मतलब जगह है जहाँ पे चेक करना है, एक वन पे, एक थ्री पे. वन से पहले, थ्री के बाद, और वन और थ्री के बीच में, ये तीन इंटरवल चेक करने, क्योंकि रूट यहीं पर है. ठीक है, अगला चेक करते हैं तीन से छोटा और वन से बड़ा. एग्जैक्ट वन मत लेना, वन लेने पे तो जीरो आ जाएगा. यहाँ वन रखो, वन माइनस वन जीरो, तब तो वेलोसिटी जीरो. यहाँ जीरो नहीं बोला, मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन. तो वन से थ्री के बीच में आओ चेक करते हैं. तो वन से थ्री के बीच का कोई भी एक नंबर टू रख लो. तो यहाँ मैंने टू रखने की कोशिश की, तो टू माइनस वन कितना आया, पॉजिटिव कुछ आएगा. टू माइनस थ्री नेगेटिव कुछ आएगा. पॉजिटिव इन टू नेगेटिव इज नेगेटिव लेस देन जीरो, एकदम सही. कुछ भी रख लो, 2.5 रख लो, 2.5 माइनस वन पॉजिटिव, 2.5 माइनस थ्री नेगेटिव. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी लेस देन जीरो है. मतलब ये वो इंटरवल है जिसमें वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब बॉडी किस में मूव कर रही, नेगेटिव डायरेक्शन में. तो एक तो वन हो गया, वन से छोटा, एक हो गया वन से बड़ा और थ्री से छोटा, और एक हो जाएगा थ्री से बड़ा. तो थ्री से बड़े टाइम पे चेक करें, वन और थ्री पे तो मत ही चेक करो यार, उस पे तो जीरो होगी. थ्री से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ रख के देखो, कोई भी नंबर, 3.1 रख के देखते हैं. 3.1 माइनस वन पॉजिटिव, 3.1 माइनस थ्री पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव. तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, हमसे क्या पूछा है, नेगेटिव. मतलब टी ग्रेटर देन थ्री पे भी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव. टी लेस देन वन पे भी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव. नेगेटिव सिर्फ कब है, सिर्फ कब है, वन से थ्री के बीच में. मतलब ये बॉडी जब टाइम वन से छोटा है तब किस में चल रही है, पॉजिटिव में. वन और थ्री के बीच में, नेगेटिव में, नेगेटिव डायरेक्शन में. और थ्री के बाद फिर से पॉजिटिव में. ठीक है, मतलब इसका अगर हम थोड़ा सा अगर इसको पिक्चरली सोचें, जो कि जरूरी भी है अब यहाँ पर, कि जब टाइम टाइम ले लेते हैं, टाइम यहाँ पे हम लिख लेते हैं जीरो, है ना, ये टाइम एक्सेस मान लेते हैं जीरो वन थ्री और थ्री से बड़ा. ठीक है, ये टाइम है. तो बॉडी जब जीरो से वन का समय है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही. फिर वन से थ्री में बॉडी नेगेटिव में जा रही है, यानी वन से थ्री में बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन पलट गया, पीछे जाने लगी. फिर थ्री से बड़े में फिर पॉजिटिव, मतलब फिर आगे. तो एक बार बॉडी आगे गई, एक बार पीछे गई, फिर एक बार आगे जा रही. तो कुछ ऐसा बॉडी के अंदर हो रहा है, मतलब बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से हम आपको बहुत सी चीज़ें अभी थोड़ी देर बाद समझाएंगे अंदर। अगर इसे पूछता कि पॉजिटिव पॉजिटिव में कब चल रही, तो आप चेक करते कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा और आंसर बता देते कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव में चल रही। अब बच्चों आपको मैं एक कंसेप्ट और बताता हूँ जो कि है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड की। मान लो बच्चों डिस्प्लेसमेंट हमको दिया हुआ है, कुछ भी दे लो, t स्क्वायर माइनस 4, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट दिया है। हमसे पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, तो आप बोलोगे यहाँ t की वैल्यू सर 3 पुट कर देंगे, कितना हलवा सवाल है, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 तो आंसर आएगा 5 मीटर, बहुत बढ़िया। हमने आपसे पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, तीसरे सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट है। ये तो डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड्स में बता रहे हो, ये पूछ रहा है तीसरे सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, पहले सेकंड पे कुछ डिस्प्लेसमेंट, दूसरे पे कुछ, तीसरे पे कुछ, तीसरे में कितना है, ये तो 3 का है, कैसे निकालेंगे। बच्चों मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है 3 सेकंड्स में, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स, 3 सेकंड में मान लो इतना डिस्प्लेसमेंट है, और मान लो ये है डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड में यहां तक आया और 3 सेकंड में यहां तक गया। बच्चों ये जो पार्ट है यही तो डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड हुआ, है कि नहीं, है कि नहीं। 2 सेकंड में इतना, 3 सेकंड में इतना, तो ये डिस्प्लेसमेंट कब हुआ है, 2 से 3 के बीच में, मतलब 3rd सेकंड में। यानी डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड अगर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स। अगर मैं बोलता डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड निकालो, तो 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालते, उसमें से 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देते, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स। इसी तरह से मैं बोलता डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये एक सोचने वाली बात है, इसमें कुछ रटने जैसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स और डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड में क्या अंतर है, 5th सेकंड मतलब 5 सेकंड में से 4 को माइनस कर दो, तो n सेकंड्स में से n माइनस 1 को माइनस कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड आ जाएगा। तो ये सवाल अब हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 3 हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd हमसे पूछा है, तो 3rd में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 3, वापस आते हैं, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड पूछा है, 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाला और 2 सेकंड का निकाला, 3 में से 2 माइनस किया तो 3rd आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स निकाल चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स आओ निकाल लें, एस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, तो 5 माइनस 0 आंसर इज 5। जैसे हम आपसे पूछ लें डिस्प्लेसमेंट इन इन 4th सेकंड, चलिए तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 4 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3, 4 का डिस्प्लेसमेंट लेके उसमें से 3 का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दो, 4th का आ जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 4 रख लो, एस 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12, तो 12 माइनस 3 का 5, 12 माइनस 5 कितना हो गया 7, तो 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ 4th सेकेंड के अंदर, है ना। जैसे इसी क्वेश्चन में आओ, डिस्प्लेसमेंट इन 1st सेकेंड निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन 1st सेकेंड, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन 1 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 0, तो 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 कितना हुआ माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 0 रखो माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 3 1, डिस्प्लेसमेंट इन 2nd सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1। तो इस तरह से कर करके आप धीमे धीमे कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट 1st सेकंड में कितना है 2 सेकंड में। तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए n सेकंड्स का माइनस n माइनस 1 का कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इतनी जानकारी होने के बाद एक और सवाल है, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उस सवाल के लिए इसको तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, इसको तुम प्रैक्टिस करो, मैं सवाल एक बहुत बढ़िया सवाल है पर उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी, थोड़ा मेरे सर पे पागलपन सवार था, माफ़ करिएगा मुझे, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब तो आप लोग से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और होपफुली अपन 50,000 क्रॉस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।